आप नाजरीन आप देख रहे हैं रौनक रमजान। मैं हूं आपका मेजबान सीनियर जर्नलिस्ट बेताब अहमद। अभी हम मौजूद है रियासत बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में। हमारे खास प्रोग्राम रौनक रमजान में आपका खैर मुकदम है। आइए देखते हैं शहर सासाराम से रमजान की खास रौनक। रमजान मुसलमानों के लिए एक बाबरकत और मुकद्दस महीना है। ये वो महीना है जिसमें मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। ये महीना अल्लाह ताला से क़ुर्ब हासिल करने का महीना है। इस महीने में तमाम दुनिया के मुसलमान रोज़ा रखते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करके उसकी खुशनूदी हासिल करते हैं और क़ुर्ब इलाही हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और आज हमारी टीम मौजूद है बिहार के सासाराम में। सासाराम जिसे सहसराम के नाम से भी जाना जाता है बिहार के रोहतास जिले का एक शहर है। ये शहर अपने अंदर बेशुमार यादों को समेटे हुए है। इस शहर में मुगल बादशाह शेरशाह सूरी का एक खूबसूरत मकबरा है जो एक बड़ी मस्नूई झील के बीच में वाक़ है। मकबरा देखने के लिए सैयाह यहाँ एक बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। सासाराम बिहार का एक कदीम और तारीखी शहर है। इस शहर ने कई तारीखी विरसे देखे हैं। इसे नालंदा और गया का गेटवे भी तसव्वुर किया जाता है। ये शहर पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। पटना से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ ये शहर अपनी कदीम इमारतों और कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको झरने, मकबरे, मसाजिद, किले और खूबसूरत मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ सबकी तवज्जो का मरकज शेरशाह सूरी का मकबरा है जो 52 एकड़ पर फैली झील के दरमियान वाक़ है। इस मकबरे की तामीर 1542 ईस्वी में हुई। इस शहर में सभी मजाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल इस शहर में आपको देखने को मिल जाएगी। सासाराम में 72% हिंदू मजहब को मानने वाले जबकि 25% के आसपास मुस्लिम आबाद हैं। सासाराम में कई बड़ी दीनी दर्जगाहें और कई तारीखी मसाजिद भी हैं। माह रमजान की आमद के साथ ही शहर की फिजा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। दिन रौनक भरे और रातें नूरानी हो जाती हैं और जिसे देखो वो सहर इफ्तार की खरीदारी और इबादत में मसरूफ नजर आता है। शहर सासाराम में नेकियों के इस मौसम बहार में हर तरफ एक रूह परवर माहौल नजर आता है। माह रमजान के इस आखिरी अशरे में लोग अपना ज्यादातर वक्त इबादत में सर्फ करते हैं और मसाजिद नमाजियों से भरी रहती हैं। जगह जगह आखिरी अशरे की फजीलत पर दर्ज दिए जाते हैं। अल्लाह कितना अजीम है, कितना रहीम है, कितना करीम है कि तुम सुबह निकल रहे हो रोजी कमाने के लिए, बीवी बच्चों का खर्च अदा कर चलाने के लिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो बंदा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है, जो बंदा रिस्ते हलाल की तलाश में सुबह को निकलता है और शाम को अपने घर वापस आता है, अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम उसके नामे आमाल में दिन भर की इबादत दिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक में सवाब को बढ़ा देता है। अगर कोई आदमी नफिल इबादत करता है तो उसको फ़र्ज के बराबर सवाब मिलता है और अगर फ़र्ज अदा करता है तो 70 फ़र्ज के बराबर सवाब मिलता है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में कोई भी नेकी का काम किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अजर को खूब बढ़ा देता है। तो गोया रमज़ानुल मुबारक ये मौसम बहार है सवाब के एतबार से, जैसे हर चीज़ों का एक मौसम आता है तो ये सवाब का लूटने का महीना है, सवाब इकट्ठा करने का ज़खीरा करने का महीना है। इस महीने को
मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शहरुल मवासात, ये गमखारी का महीना है, यानी गरीबों के साथ हमदर्दी और उनके साथ अच्छे बर्ताव करने का महीना है। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैजान है। ये महीना हर साल हमारी ज़िंदगियों में मेहमान बन कर आता है और एक महीना हमारे पास रहकर हमको अपनी रहमतों और नेमतों से नवाज कर पलक झपकते ही हमसे रुखसत हो जाता है। सासाराम के लोग इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि इस माह मुकद्दस में ज़कात और फितरे का पैसा उसके असल हकदारों तक जल्द अज जल्द पहुँचा दें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। रमजान का महीना है, 20 रमजान खत्म हो चुका है। सदका फितरा क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसको कब तक अदा करें, मुख्तलिफ जानने की कोशिश करते हैं। रमजानुल मुबारक ये बरकत का महीना है, फजीलत का महीना है, गम गुसारी और गम खारी का महीना है। इसमें गरीबों की साथ हमदर्दी करने का हुक्म आया है। ख़ुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, इसलिए रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात ज़कात अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़कात तो फ़र्ज़ है, जैसे रमज़ान फ़र्ज़ है, सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है उन लोगों पर जो साहब निसाब हैं। गुरबा यतीम मिस्कीन लाचार लोग भी शामिल हों, इसीलिए शरीयत ने कहा है कि ईद के पहले पहले सदक़तुल फ़ित्र अदा करना चाहिए ताकि गरीबों को भी इस खुशी में शामिल होने का मौका मिल सके। सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है, आदमी को अपनी तरफ से निकालना है और नाबालिग बच्चों की तरफ से निकालना है। बीवी अगर साहब निसाब है तो खुद निकालेगी, लेकिन अगर शौहर उसकी तरफ से निकालता है उसकी इजाज़त से तो भी अदा हो जाएगा। सदक़तुल फ़ित्र हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहब निसाब या उसकी मालियत हो, माल तजारत हो, करेंसी हो, बैंक बैलेंस हो, यानी 52.5 तोला जो इस वक्त की मौजूदा कीमत में है 50,000 तकरीबन, कोई भी 50,000 का मालिक है तो साहब निसाब है, उस पर ज़कात भी फ़र्ज है 2.5% और सदक़तुल फ़ित्र है। सदक़तुल फ़ित्र जो है 2.25 सेर गेहूँ है जो इस वक्त का हिसाब से एक किलो 692 ग्राम होता है। और जो लोग अब जिसको अल्लाह ताला ने नवाजा है, साहब माल बनाया है, साहब हैसियत हैं, तो उनको ये चाहिए कि गेहूँ के बजाय किशमिश और खजूर निकालें जिनका 1,100-1,200-1,200 रुपए होता है एक आदमी का, तो उससे गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये काम ईद से पहले किया जाए ताकि गरीब लोग ईद की खुशी में शामिल हो सकें और ईद बेहतर तरीके से मना सकें। माह रमज़ान के 2 अशरे हमसे रुखसत हो चुके हैं और अशरा जहन्नुम से खुलासी हमारे बीच में है। उल्मा इकराम कहते हैं ये अशरा बहुत ही फजीलत और अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें शब कद्र जैसी अजीम रात पोशीदा है। इसीलिए इस अशरे के एक एक लम्हे की कद्र करते हुए बंदे मोमिन को अपना ज्यादातर वक्त जिक्र अस्कार में सर्फ करना चाहिए और शब कद्र को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। शब कद्र एक मुतबर्रिक और अजीम रात है जिसमें की गई इबादत 1,000 महीनों की इबादत से अफजल है। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जो हमें 5 रात जाग करके जिसमें अल्लाह की इबादत दिलजोई करने के लिए हमें जागना है, जिसे अल्लाह पाक अपने मुकद्दस कलाम कुरान मजीद में फरमाता है सूरह कद्र के बारे में कि तुम इस रात की कद्र करो, और हमें इस रात में 5 रातें गुजारनी हैं जो शब रमजानुल मुबारक के
पांच रातों में से किन्नी एक रात में ही हमें तलाश करना है, तो इसके लिए अल्लाह फरमाता है कि इन रातों की कदर करने के लिए हमें पांच रात को ही इबादत करना है। इसके वजह से इस रात में हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पाको साफ होकर के शफाक होकर के हमें इबादत करनी है, और जितना हो सके हमें इस रात में नेक आमाल करें, कुरान की तिलावत करें, वज़ाइफ की तिलावत करें, इबादत करें, नवाफिल पढ़ें। इसमें जितना भी हम इबादत करेंगे अल्लाह साल भर का इबादत का सवाब इसमें बहुत ज़्यादा अशर है। और इस रमज़ान मुबारक के सबसे आखिरी असरा जो हम बोलते हैं, इसमें इबादत जो हम लोग करते हैं, इसका 70 गुना सवाब सभी दिनों से मुकाबले सबसे ज़्यादा सवाब इसमें हमें मिलता है। और आप जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक के हर एक एक अमल के बारे में इसका सबसे ज़्यादा ज़्यादा सवाब मिलता है, इसी तरह से हमें और आपको मिल करके चाहिए कि इस रात की इबादत करें, इस रात की कद्र करें, और इसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेक अमल करने की कोशिश होनी चाहिए। माह रमज़ान गोया बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों, हर एक के लिए नेकी, परहेजगारी और किरदार साजी का महीना है। वालदैन के लिए अपने बच्चों की किरदार साजी के लिए ये बेहतरीन महीना है। सासाराम में बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी इस माह मुकद्दस में रोज़ा रखने और इबादत करने में बड़ों से पीछे नहीं रहते। छोटे छोटे बच्चे माह रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं और कुरान पाक की तिलावत के साथ दीगर इबादत भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल औज़ु बिन्नास मालिकिन नास लाइन नास मिन सदरि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि वलद्दालीन आमीन। माह रमज़ान बर्क रफ्तारी से गुजर रहा है और अशरे जहन्नुम से निजात चंद दिनों का मेहमान है। बंदे मोमिन को चाहिए कि इस मुतबर्रिक और अजीम महीने के आखिरी अय्याम को गनीमत जानकर इन लम्हात की कद्र करें और अपने रब को राजी कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को और हमारी इबादात को कबूल फरमाए, हम सब की मगफरत फरमाए और ये मुकद्दस महीना हर बार हमारी जिंदगियों में अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान सीनियर जर्नलिस्ट बेतार रहमान। अभी हम मौजूद हैं सासाराम के गोला बाज़ार में। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर सासाराम के बाज़ारों की रौनकों में मज़ीद इजाफा हो जाता है। माह रमज़ान के मौके पर शहर सासाराम में छोटे छोटे बाज़ार लगाए जाते हैं, जहाँ रमज़ान व ईद से मुतालिक सभी ज़रूरी अशिया मुनासिब दामों पर दस्तियाब हो जाती हैं। सासाराम के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को रमज़ान व ईद से मुतालिक ज़रूरी अशिया से आरास्ता किया है, ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सामान मुनासिब दामों पर मुहैया कराया जा सके। ये 100 साल पुरानी दुकान है और रमज़ान में बहुत सारी वैरायटियां लगी हैं। ये मिठाई की बहुत पुरानी दुकान है। रमज़ान के मौके पर यहाँ पर अजला है, देसी घी की फेनी है, ये फेनी है, डबल फ्राई है, लच्छा है और मिठाइयाँ वगैरह सारी चीज़ यहाँ उपलब्ध है। ये महीना साल में एक महीने के लिए आता है। मैं सारे शहर वासियों को मैं तहे दिल से रमज़ान की बधाई मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ से भी बनता है, सासाराम से भी बनता है। 80 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो है, 90 रुपये सबको बताइए। हाँ सब पकड़ अजला है, 250 रुपये के जी है, ये है 100 रुपये किलो, ये है 120 रुपये किलो, ये 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो के नाम है सेवई। रमज़ान के मौके पर हम लोग बेचते हैं, सेवैयाँ ही बेचते हैं, खजला वगैरह बनाते हैं और सारी मिठाइयाँ भी, बर्फी, लड्डू, सारा चीज़ नीमकी वगैरह बेचते हैं। यानी हर मौके पर बेचते हैं, क्योंकि मौके पर ही ज़्यादातर उपलब्धियाँ होती है और बनाई भी जाती है और बेचा भी जाता है।
रमजान व ईद से मुताल्लिक जरूरी दुकानों पर खवातीन और बच्चों की मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती है कि बाजार में बहुत कुछ दस्तियाब है। इसके अलावा रमजान के आखिरी अशरे में रेडीमेड कपड़े, चूड़ियां, मस्नूई जेवरात, कुर्ता पजामा, टोपी, सेवैयां और मेवाजात वगैरह का कारोबार उरूज पर रहता है। दुकानदार खुश हैं कि कारोबार अच्छा हो रहा है और रमजान इबादत और कारोबार दोनों के हिसाब से बेहतर गुजर रहा है। रमजान मुबारक देता हूँ मैं। ये लच्छा, हाँ लच्छा, ये बनारस का है, 80 रुपए किलो बिक रहा है। यहाँ पे रमजान का महीना है और हम तमाम मुसलमानों को और तमाम अपने भारत हिंदुस्तान के लोगों को रमजान की मुबारकबाद और आने वाली ईद की मुबारकबाद। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, शाम के वक्त में और दिन भर बहुत गहमा गहमी रहता है, काफी अच्छा क्वालिटी हम लोग उन लोगों को देते हैं। आजकल सासाराम के बाजार देर रात तक खुले रहते हैं, जिस तरफ भी नजर डालिए खरीदारों की जबरदस्त गहमा गहमी और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत नजर आती है। गुजरते रोजों के साथ रौनकों के उरूज का ये सिलसिला मजीद बेहतर और दराज होता रहता है और ईद की नमाज के साथ इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रोजों और दीगर इबादात को कबूल फरमाए और हम सबको खुशियों का दिन यानी ईद का दिन यानी इनाम का दिन अपनी रहमतों और बरकतों के साथ अता फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अब हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, बेताब अहमद, मुंशी टीवी, सासाराम।